अंबेडकर जी का एक सोच था, क्या है सोच, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, इसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मुस्लिम नेशंस में हिंदूज को इन जनरल एंड द माइनॉरिटी एंड द बैकवर्ड हिंदूज को पाकिस्तान में मुस्लिम नेशंस में रह नहीं सकते हैं। दिस वॉज द कंसिडर्ड ओपिनियन ऑफ नन अदर देन बाबा साहब अंबेडकर। सो ही रिक्वेस्टेड एंड ही पुट फॉरवर्ड दिस आइडिया कोटिंग 1923 ग्रीक टर्की अकॉर्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। आपको मालूम होगा खिलाफत आंदोलन के तुरंत बाद टर्की और ग्रीस के बीच में ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन किया था, उस प्रकार भारत में भी किया करना चाहिए, दैट वॉज बाबा साहेब अम्बेडकर डिमांड। बट नेहरू जी नेवर हर्ड इट। ओके, वट एवर इट में, अभी मुझे लगता है ये CAA के कंटेक्स्ट में अगर किसी आत्मा सबसे ज्यादा खुशी में है तो वो बाबा साहब अंबेडकर जी का होगा। ही विल बी मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ रिगार्डिंग दिस CAA। ही विल बी, इट्स अ फुलफिलमेंट ऑफ बाबा साहब अंबेडकर जी ड्रीम। ही ऑलरेडी सेड एंड इट हैज बीन प्रूव्ड करेक्ट। बाबा साहब अंबेडकर जी के जिंदगी के समय ही ये प्रूव किया। जोगिंद्रनाथ मंडल जी को क्या हुआ था, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान में रहने के लिए कोशिश किया जोगिंद्रनाथ मंडल, जिन्ना ने लेकर गया वहां, वहां के लो मिनिस्टर भी बनाया, 1.5 साल रह नहीं सकता पूरा 40-42 पेजेस लंबा इस्तीफा लेटर लिखकर, लियाकत अली खान को लेटर लिखकर वो वापस आए हैं। दैट वाज़ द सिचुएशन, अनसर्मोनियसली किक्ड आउट ऑफ पाकिस्तान। दैट वाज़ द सिचुएशन, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। इस कंटेक्स्ट में अभी जो चल रहा है CAA आंदोलन, इस कंटेक्स्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में, इस सेकुलरिज्म इशू के बारे में, कम्युनल स्ट्राइप्स के बारे में हम सोचने की आवश्यकता है।